तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको हम सिखाएंगे कि जैसे घरों पे लगवा लेते हैं छोटे छोटे प्लांट और बैकअप नहीं मिल पाता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे दिन दिन में तो चला लिया सोलर, लेकिन रात को बैकअप नहीं मिल पाता है, तो वो गलती कहाँ पर है, बैकअप क्यों नहीं मिल पाता है, उसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे तो आइए हैं। समझते हैं। एक पैनल हमारा 350 वाट का है, हमारे पास चार पैनल हैं, तो एक पैनल का एम्पियर 8 है, तो यानी कि 8 है हमारा, तो इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा 32 एम्पियर बनता है। तो हमें क्या है, इसमें पैरेलल कनेक्शन करना है, प्लस प्लस सभी का जोड़ देना है, प्लस पे, और फिर जैसे प्लस प्लस जोड़ा है वैसी तरीके से हम माइनस भी जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वायर हमारा निकल आएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वायर इसीलिए लिख रहा है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं इसको, प्लस प्लस और माइनस माइनस उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो ये पैरेलल कनेक्शन किस लिए किया जाता है, क्योंकि वोल्ट सेम रहे, एम्पियर हमारा बढ़ जाए, और हमें बैटरी चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत है। हमारा ये देखिए कंट्रोलर लगा हुआ है 24 वोल्ट में, अब पीछे से कितना भी वोल्ट आए पैनल का उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमने इसीलिए 24 वोल्ट का लाया है। तो एक पैनल का जो हमारा वोल्ट है वो होगा मिनिमम 34 से मैक्सिमम 38 तक, तो हमें ज़रूरत तो है नहीं इसकी। तो हमें क्या करना है, बीच में कंट्रोलर लगाना है, क्योंकि हमें सिर्फ 24 वोल्ट चाहिए, क्योंकि एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट में होती है, तो इसीलिए हमें 24 वोल्ट सिर्फ चाहिए होगा। तो हमने क्या करा, अब पैनल से जो वायर आया अपना वो कंट्रोल में लगा दिया, उसमें एक बैटरी का ऑप्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव वायर निकले होते हैं, जो आउटपुट होता है कंट्रोलर से बैटरी के लिए इनपुट होता है। अब बैटरी के कनेक्शन क्या करेंगे हम सीरीज में, तो एक बैटरी 12 वोल्ट की × 24, तो हमें 24 वोल्ट चाहिए। तो हमने क्या काम करा, इसमें हमने जोड़ दिया। अब ये बैटरी सीरीज में होती है, बैटरी का कनेक्शन हमेशा सीरीज में करना है आपको, अगर वोल्ट बढ़ाना है तो सीरीज में करना है, बैटरी का प्लस और फिर दूसरी का माइनस जोड़ देना है। अब ऊपर से कंट्रोलर आया प्लस माइनस, तो बैटरी में ऐसे ही प्लस माइनस लगा देना है, तो हम प्लस माइनस लगा देंगे। हमारा इन्वर्टर है 24 वोल्ट में, यानी कि 1600 VA का इन्वर्टर है, तो हमें क्या करना है, उसमें इन्वर्टर में ऐसे ही वायर कनेक्ट कर देना। बहुत से इन्वर्टर आते हैं जिसमें सोलर का ऑप्शन होता है, चाहे तो आप उसमें इन्वर्टर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे से फिर लोड ले लीजिए घर के लिए। ठीक है, हमने लोड ले लिया, तो अब हमारा क्या है, ये लोड बरकरार चल रहा है। अब जैसे हमने चार पैनल लगाया है, चार पैनल का मतलब हो गया 32 एम्पियर, तो अगर हम 540 का लगाते हैं यहाँ पर पैनल, या फिर हम 500 वाट का लगाते हैं पैनल, तो वो क्या है, 1.5 किलो वाट में कितना लगेगा, तीन पैनल। अब वो तीन पैनल लगेगा तो हमें क्या करना होगा, तीन पैनल के लिए जैसे हमारा एक वो 9 एम्पियर निकालेगा एक पैनल, अब 9 एम्पियर निकालेगा, हमने तीन पैनल लगाया तो तीन पैनल का कितना एम्पियर हो गया, बैटरी चार्ज करने के लिए हमेशा एम्पियर की जरूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना होगा, उसमें जैसे हमने लगाया पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो उसका वोल्टेज तो सेम रहेगा, क्योंकि उसका वोल्टेज आता है 42 से 48, अभी हमारा 350 का पैनल है तो इसका 38, 34 से 38, अब ये 500 का लगा दिया मानो हमने, या 540 का लगा दिया, तो वो कितना लगेगा, तीन पैनल। अब तीन पैनल को हम 3 × 9 से करेंगे, कितना बैठेगा, कितना बैठेगा, 27 बैठेगा, तो एम्पियर कम हो जाएगा, और हमारे यहाँ चार पैनल में 32 एम्पियर आ रहा है, वो जब 27 रह जाएगा, यानी कि 27 रह जाएगा। अब क्या है, बैटरी हमेशा एम्पियर से चार्ज होती है, अगर एम्पियर भरपूर नहीं मिलेगा वो चार्ज नहीं हो पाएंगी, तो ये आप क्लियर समझ लें। तो इसीलिए छोटे प्लांट के लिए छोटा पैनल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा कितना लगा हुआ है, चार पैनल, अब हम इसकी मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो कितना आता है, 32, तो एम्पियर 32 हो गया, तो यानी कि बैटरी अच्छी चार्ज होंगी इससे। अब क्या है, दिन में हम थोड़ा बहुत लोड भी ले सकते हैं, चला भी सकते हैं दिन में जो भी चलाना है, और बैकअप के लिए हमें रात को बैटरी हमारी चार्ज हो जाएंगी। तो यही प्रोसेस होता है छोटे प्लांटों के लिए, कनेक्शन के लिए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। बने रहिए आप हमारे साथ।